देवताओं द्वारा महादेव जी की स्तुति। कामदेव का दाह तथा महादेव जी का मेरु पर्वत पर गमन। ब्रह्म पुराण के अध्याय 23 में हम इस विषय को विस्तार से जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने महादेव जी और पार्वती जी के विवाह का वर्णन सुना। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी महादेव जी का विवाह हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं के हर्ष की सीमा न रही। उन्होंने भगवान शंकर को प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति आरंभ की। देवता बोले, पर्वत जिनका लिंगमय स्वरूप है, जो पर्वतों के स्वामी हैं, जिनका वेग पवन के समान है, जो विकृत रूप धारण करने वाले तथा अपराजित हैं, जो कलेशों का नाश करके शुभ संपत्ति प्रदान करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नीले रंग की चोटी धारण करने वाले अंबिकापति को नमस्कार है। वायु जिनका स्वरूप है, जो सैकड़ों रूप धारण करने वाले हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। दैत्यों के योग का नाश करने वाले तथा योगियों के गुरु महादेव जी को प्रणाम है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं तथा जो ललाट में भी नेत्र धारण करते हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो शमशान में क्रीड़ा करते हैं और वर देते हैं, जिनके तीन नेत्र हैं, उन देवेश्वर शिव को प्रणाम है। जो गृहस्थ होते हुए भी साधु हैं, नित्य जटा एवं ब्रह्मचर्य धारण करने वाले हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। जो जल में तपस्या करते, योग जनित ऐश्वर्य देते, मन को शांत रखते, इंद्रियों का दमन करते तथा प्रलय और सृष्टि के कर्ता हैं, उन महादेव जी को प्रणाम है। अनुग्रह करने वाले भगवान को नमस्कार है। पालन करने वाले शिव को प्रणाम है। रुद्र, वसु, आदित्य और अश्विनी कुमारों के रूप में वर्तमान भगवान शंकर को नमस्कार है। जो सबके पिता सांख्य वर्णित पुरुष विश्वदेव, शर्व, उग्र, शिव, वरद, भीम, सेनानी, पशुपति, शुचि, वैरिहंता, सद्योजात, महादेव, चित्र, विचित्र, प्रधान, अप्रमेय, कार्य और कारण नाम से प्रतिपादित होते हैं, उन भगवान शिव को प्रणाम है। भगवान पुरुष रूप में आपको नमस्कार है। पुरुषों में इच्छा उत्पन्न करने वाले आपको प्रणाम है। आप ही पुरुष का प्रकृति के साथ संयोग कराते हैं। आप ही प्रकृति में गुणों का आधान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप प्रकृति और पुरुष के प्रवर्तक, कार्य और कारण के विधायक तथा कर्म फलों की प्राप्ति कराने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप काल के ज्ञाता, सबके नियंता, गुणों की विषमता के उत्पादक तथा प्रजा वर्ग को जीविका प्रदान करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। देव देवेश्वर आपको प्रणाम है। भूत भावन आपको नमस्कार है। कल्याणमय प्रभु, आप हमें दर्शन देने के लिए प्रसन्न मुख एवं सौम्य हो जाएं। इस प्रकार देवताओं द्वारा अपनी स्तुति होने पर संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान उमापति ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हें दर्शन देने के लिए सदा ही प्रसन्न मुख और सौम्य हूँ। तुम शीघ्र कोई वर मांगो, मैं निश्चय ही उसे दूंगा। देवता बोले, यह वर आपके ही हाथ में है। जब आवश्यकता होगी तब हम मांग लेंगे। उस समय आप हमें मनोवांछित फर दीजिएगा। एवमस्तु कहकर महादेव जी ने देवताओं तथा अन्य लोगों को विदा किया और स्वयं प्रमथ गणों के साथ अपने धाम को चले गए। ब्राह्मणों, जो इस स्तोत्र का श्रवण या पाठ करता है, वह संपूर्ण लोकों में जाने की शक्ति प्राप्त करता है और देवराज इंद्र की भांति देवताओं द्वारा पूजित होता है। महादेव जी अपने धाम में प्रवेश करके जब सुंदर आसन पर विराजमान हुए,
तब वक्र स्वभाव वाले क्रूर कामदेव ने उन्हें अपने बाणों से बींधने का विचार किया। वह अनाचारी, दुरात्मा और कुलाधम काम सब लोगों को पीड़ित करने वाला है। वे नियम तथा व्रतों का पालन करने वाले ऋषियों के कार्यों में विघ्न डाल देता है। उस दिन चक्रवाक का रूप धारण करके अपनी पत्नी रति के साथ उसका आगमन हुआ था। देवताओं के स्वामी भगवान शंकर ने अपने को बींधने की इच्छा रखने वाले आत्ताई कामदेव को तीसरे नेत्र से अवहेलना पूर्वक देखा। फिर तो उनके नेत्र से प्रकट हुई आग सहस्त्र लपटों के साथ प्रज्वलित हो उठी और रति के स्वामी मदन को उसके साज श्रृंगार के साथ सहसा दग्ध करने लगी। उस समय जलता हुआ कामदेव बड़े करुण स्वर में आर्तनाद करने लगा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए धरती पर गिर पड़ा। इतने में उसके सब अंगों में आग फैल गई और सब लोगों को ताप देने वाला काम स्वयं ही पृथ्वी पर गिरकर क्षण भर में मूर्छित हो गया। उसकी पत्नी रति अत्यंत दुखित हो करुणामय विलाप करने लगी। उस दुखिनी ने महादेव जी तथा पार्वती से अपने पति के लिए याचना की। उसके दुख को जानकर दयालु दंपति ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, कामदेव तो अब निश्चय ही दग्ध हो गए, अब यहां उनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, परंतु शरीर रहित रहते हुए भी यह तुम्हारे सब कार्य सिद्ध करते रहेंगे। शुभे, जब भगवान विष्णु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के रूप में इस पृथ्वी पर अवतार लेंगे, उस समय उन्हीं के पुत्र रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। इस प्रकार वरदान पाकर काम पत्नी रति खेदर रहित एवं प्रसन्न हो अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। इधर भगवान शंकर कामदेव को दग्ध करने के पश्चात भगवती उमा के साथ हिमालय पर प्रसन्नता पूर्वक रमण करने लगे। पार्वती जी ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, अब मैं इस पर्वत पर नहीं रहूंगी, आप मेरे लिए दूसरा कोई निवास स्थान बनाइए। महादेव जी बोले, देवी, मैं तो सदा तुमसे अन्यत्र रहने को कहता था, किंतु तुम्हें कहीं अन्य जगह किसी स्थान का निवास पसंद नहीं आता था। आज स्वयं ही तुम अन्यत्र रहने की इच्छा क्यों करती हो, इसका कारण बताओ। देवी ने कहा, देवेश्वर, आज मैं अपने महात्मा पिता के घर गई थी। वहां माता ने मुझे एकांत स्थान में देख उत्तम आसन आदि के द्वारा मेरा सत्कार किया और कहा, उमे, तुम्हारे स्वामी दरिद्र हैं, इसलिए सदा खिलौनों से खेला करते हैं, देवताओं की क्रीड़ा ऐसी नहीं होती। महादेव, आप तो नाना प्रकार के गणों के साथ व्यवहार करते हैं, यह मेरी माता को पसंद नहीं है। यह सुनकर महादेव हंस पड़े और देवी को हंसते हुए बोले, प्रिय, बात तो ऐसी ही है, इसके लिए तुम्हें दुख क्यों हुआ। मैं कभी हाथी के चमड़े लपेटता हूँ, कभी दिगंबर बना रहता हूँ, शमशान भूमि में निवास करता हूँ, बिना घर द्वार का होकर जंगल में और पर्वत की कंदराओं में रहता हूँ तथा अपने गणों के साथ घूमता फिरता हूँ। इसके लिए तुम्हें माता पर क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम्हारी माता ने सब ठीक ही कहा। इस पृथ्वी पर प्राणियों का माता के समान हितकारी कोई बंधु बांधव नहीं। देवी ने कहा, सुरेश्वर, मुझे अपने बंधु बांधवों से कोई प्रयोजन नहीं, आप वही करें जिससे मुझे सुख हो। देवी का यह वचन सुनकर देवेश्वर महादेव जी ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए पर्वत को छोड़ दिया और पत्नी तथा पार्षदों को साथ ले देवताओं और सिद्धों से सेवित सुमेरु पर्वत के लिए प्रस्थान किया। Oh.